हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएवी पब्लिकेशन का क्लास फाइव का मैथ का यूनिट 11 का वर्कशीट नंबर 2, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में वर्कशीट 1 पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इस वीडियो में यूनिट 11 का वर्कशीट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हल करें निम्नलिखित प्रश्नों को। तो फर्स्ट का ये नंबर है अ वेजिटेबल सेलर, यानी कि एक सब्जी बेचने वाला, सेलर मतलब बेचने वाला, बाउट खरीदा पोटैटोज यानी कि आलू खरीदा फॉर ₹200, यानी कि ₹200 में। ही स्पेंट, वह खर्च किया ₹20, यानी कि ₹20 खर्च किया, यानी ₹20 खर्च किया ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर, यानी कि उसको उसका गाड़ी भाड़ा पर खर्च किया, यानी कि लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्ज, उसको ट्रांसपोर्ट चार्ज पर ₹20 खर्च किया। एंड देन, और तब सोल्ड, बेचा, दे मैंने उनको यानी कि आलू को बेचा फॉर ₹290, यानी कि ₹290 में बेचा। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, यानी निकालें प्रॉफिट या लॉस निकालें। तो देखिए, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालिए, लॉस हो रहा है तो लॉस निकालिए। तो देखिए, इस सीपी है ₹200 और उस पर ₹20 ट्रांसपोर्ट चार्ज, यानी कि एक्चुअल सीपी हो गया 220 और सेलिंग प्राइस कितना है, बेचा है कितने में, 290 में, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो पहले एक्चुअल प्राइस निकालेंगे। सीपी दिया है, देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है ₹200 और उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्ज है, ट्रांसपोर्ट का है आपका ₹20। दोनों को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका ₹220। ये आपका हो गया एक्चुअल सीपी, ACTUAL, एक्चुअल सीपी हो गया आपका ये ₹220। और एसपी कितना दिया है, एंड एसपी इज इक्वल टू, यानी सेलिंग प्राइस है कितना, 290। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालेंगे PROFIT, प्रॉफिट या गेन। क्या होता है प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP होता है, SP माइनस CP या एक्चुअल CP, यहाँ पर एक्चुअल CP है तो एक्चुअल CP रखेंगे। तो SP कितना है 290 माइनस, यहाँ पर CP के जगह पर एक्चुअल CP का वैल्यू रखेंगे, कितना निकाला गया है एक्चुअल CP 220, तो 220 आपको घटा देंगे, कितना बचेगा ₹70। ये आपका प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया आंसर, या हिंदी में लाभ कहा जाता है। इस तरह से 290 में से 220 घटा दिए, SP में से CP घटा दिए, CP के जगह पर हम लोग एक्चुअल CP रखेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लगा है ₹20। तो इस तरह से ₹70 आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये पहला का क्वेश्चन नंबर ए था, नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर बी दिया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर बी है मिस्टर गुप्ता बाउट, यानी कि मिस्टर गुप्ता खरीदे अ कार, एक कार खरीदे फॉर ₹14,000, यानी कि ₹40,000 में खरीदे कार। ही स्पेंट, वह खर्च किए ₹8,000, यानी कि ₹8,000 खर्च किए फॉर पेंटिंग इट, इसे पेंट करने के लिए ₹8,000 स्पेंट किए। इफ़ ही सोल्ड, यदि वह बेचे द कार को फॉर ₹53,000, यानी कि ₹53,000 में बेचे कार को, तो फाइंड द गेन निकालें और लॉस या लॉस निकालें। तो हम लोग उसी तरह, पहले हम लोग ये दिया है आपका CP और ये 8,000 खर्च किए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक्चुअल CP निकलेगा। तो देखिए, CP दिया है आपका 40,000 और आपका पेंटिंग में आपका खर्च हुआ है पेंटिंग चार्ज आपका ₹8,000। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका एक्चुअल CP निकलेगा, तीन को पहले जीरो से ऐड कीजिएगा, जीरो उसके बाद आठ, ये आपका 4, ये आपका एक्चुअल CP हो गया, ACTUAL एक्चुअल CP हो गया आपका।
और एस पी गिवेन है, एंड गिवेन एस पी इजकल टू दिया गया एस पी कितना है 53, यानी कि 53,000 में बेचे हैं कार को, 53 इतना 53,000 आपका ये एस पी है। तो हम लोग को देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालते हैं या गेन कहिए, गेन इजकल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी कितना है आपका 53,000 माइनस ये आपका एक्चुअल सी पी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 48,000, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 को 0 में से 3 को 0 घटेगा, उसके बाद यहाँ पर होएगा एक दिन 13 में से आठ गया 5, ये 5 हो गया, 4 में 4 के 0, इस तरह से 5,000 आंसर हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ 5,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है, रामलाल परचेज अ प्लॉट, रामलाल ने ख़रीदा एक प्लॉट फॉर ₹35,000, यानी कि 35,000 रुपये में एक प्लॉट ख़रीदा। ही कंस्ट्रक्टेड अ बाउंड्री वॉल, वह बनाया एक बाउंड्री वॉल बनाया, मतलब दीवार बनाया अराउंड इट, इसके चारों तरफ। विच कॉस्टेड हिम, मतलब जिस पर वह खर्च किया ₹5,500, यानी कि 5,500 रुपया जिस पर उसका खर्च आया, उसे खर्च आया, वह खर्च किया। इफ ही सोल्ड, यदि वह बेचा द हाउस घर को फॉर 51,000, यानी कि 51,000 रुपये में, तो फाइंड द गेन, तो गेन निकालें और लॉस या लॉस निकालें। तो उसी तरह हम लोग ये दिया हुआ है सीपी और इस पर खर्च कितना किया है 5,500 खर्च किया है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो निकल जाएगा आपका एक्चुअल सीपी, और ये एसपी में से घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, ये आपका सीपी दिया है 35,000 और ये आपका दीवार बनाने में बाउंड्री बनाने में खर्च आया है, बाउंड्री चार्ज BOUNDRY, बाउंड्री आपका चार्ज कितना होगा 5,500 रुपीज। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका एक्चुअल एक्चुअल सीपी निकल जाएगा, ऐड करिए, ये देखिए 2 0 ऐड हो गया दोनों, उसके बाद तीसरा है 5 और 0 5 हो जाएगा, और ये चौथा नंबर पे 5 5 10 के आपका 0 और 3 1 अब 4, इस तरह से 40,500 हो गया आपका ये एक्चुअल सीपी। और गिवेन है एंड GI गिवेन है एसपी कितना दिया है आपका, कितना में मतलब बेचा है, देखिए 51,000 में आपका 51,000 है। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो ये ज़्यादा है सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि या गेन निकालेंगे, तो गेन इजकल टू गेन या प्रॉफिट इजकल टू 51,000 माइनस 40,500, इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 2 0 में से दोनों 0 घटेगा तो 2 0 हो गया, उसके बाद तीसरा में देखिए इधर 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ 0 में से गया 0, उसके बाद 5 में से 4 गया 1, इस तरह से आपका 10,500 प्रॉफिट हो गया उसको, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी है, अ मर्चेंट बाउट अ सोफ़ा सेट, एक व्यापारी ने खरीदा एक सोफ़ा सेट फॉर ₹8,000, यानी 8,000 रुपये में खरीदा। ही सोल्ड, वह बेचा इट मनी से टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को ₹10,000, यानी 10,000 में बेचा। इफ द मर्चेंट हैड स्पेंट, यदि मर्चेंट व्यापारी ने खर्च किया था ₹200, यानी 200 रुपया ऑन ट्रांसपोर्ट पर, यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज 200 रुपया लगा। फाइंड हिज गेन, तो निकालें गेन निकालें और लॉस या लॉस निकालें। तो पहले हम लोग एक्चुअल सीपी निकालेंगे, सीपी दिया हुआ है, सीपी इजकल टू एट
हज़ार रुपया है, 8,000 रुपया है। और आपका वह ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज है आपका 200 रुपये। तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका एक्चुअल सीपी निकल जाएगा। एक्चुअल सीपी इक्वल टू दोनों का ऐड कीजिए तो 8,000 आपका 200 रुपये आएगा एक्चुअल सीपी। एसपी कितना है, कितने में अपने दोस्त को बेचा है, 10,000 में, देख सकते हैं 10,000 में बेचा है। तो यहाँ पर एंड एसपी दिया है 10,000 रुपये। तो देखिए प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो प्रॉफिट हुआ है क्योंकि एसपी ज़्यादा है, तो इसलिए आपका यहाँ बनाते हैं। इसके बाद चलिए यहीं बनाते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू या गेन इज इक्वल टू गेन और प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये एसपी माइनस सीपी। तो इस तरह से इतना आपका प्रॉफिट हो गया या गेन कहिए, इस तरह से ये आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला का पांचवा ई नंबर। अ प्रॉपर्टी डीलर परचेज, एक प्रॉपर्टी डीलर ने खरीदा अ हाउस, एक घर खरीदा फॉर 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख में खरीदा। ये स्पेंट, वह खर्च किया 15,000 यानी 15,000 रुपये ऑन रिपेयरिंग, रिपेयरिंग पर, रिपेयरिंग द हाउस, घर के रिपेयरिंग पर खर्च किया। आफ्टर 6 मंथ यानी 6 महीने के बाद ही सोल्ड, वह बेचा द हाउस, घर को फॉर 2,15,000 यानी 2,15,000 रुपये में। फाइंड द गेन, तो गेन निकालें और लॉस या लॉस निकालें मेड बाय द प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा जो बनाया गया गेन या लॉस, तो वही निकालना है। तो गेन हुआ तो गेन निकालिए, लॉस हुआ है तो लॉस निकालिए। देखिए ये जोड़िएगा 1,50,000 और ये 15,000, तो 1,65,000 हो जाएगा। और ये 2,15,000 में बेचा है तो इस तरह से एसपी ज़्यादा है तो गेन हुआ है। तो पहले हम लोग लिखेंगे सीपी इक्वल टू यानी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1,50,000 दिया है। और इस तरह से रिपेयरिंग चार्ज आपका RIPAIRI यानी रिपेयरिंग चार्ज कितना है, 15,000 है। तो इस तरह से एक्चुअल सीपी लिखेंगे, ACTUL एक्चुअल सीपी हो गया आपका। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 3 जीरो जोड़िए, 3 जीरो हो गया। उसके बाद चौथा में 5 और 0 का 5 हो गया। और ये पांचवा नंबर में 5 और 1 6 और ये आपका 1,65,000 हो गया आपका एक्चुअल सीपी। और एंड एसपी गिवेन है, एंड एसपी गिवेन यानी कि दिया गया है कितना, तो 2,00,000 आपका 15,000। तो हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट या गेन इजकल टू, इसलिए गेन इजकल टू एसपी माइनस सीपी, यहाँ सीपी के जगह पर एक्चुअल सीपी लिखेंगे। तो 2,15,000 माइनस 1,65,000, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50,000। इस तरह से 50,000 आपका प्रॉफिट हो गया आंसर।